बीते कुछ समय में लोगों की सोच और जीने का तरीका काफी बदल चुका है। पहले जहां लोग कम उम्र में ही शादी और बच्चे की प्लानिंग करते थे, तो वहीं अब करियर और अन्य वजहों से लोग, खासकर लड़कियां, देर से शादी कर रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग शादी के बाद बच्चे की प्लानिंग भी काफी देर से कर रहे हैं। इन दिनों ज्यादातर महिलाएं 40 वर्ष की आयु के बाद गर्भवती होने का विकल्प चुन रही हैं। हालांकि बढ़ती उम्र में गर्भधारण करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप भी 40 या उसके आसपास की उम्र में प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 40 साल की उम्र में गर्भधारण करना कितना मुश्किल और क्यों है। साथ ही बात करें उन तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी फर्टिलिटी को हेल्दी रख सकते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद सुरक्षित गर्भधारण करना संभव है, लेकिन इसके लिए उन जैविक कारणों को समझना जरूरी है जो इनमें कठिनाई की वजह बन सकते हैं। इनमें हार्मोनल असंतुलन, अनियमित पीरियड साइकिल, अंडे की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट आदि शामिल है। सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 40 से 44 वर्ष की आयु के बीच की 30% महिलाएं बांझपन का अनुभव करती हैं। इसकी निम्न वजह हो सकती हैं। जैसे जैसे महिलाएं बड़ी होती जाती हैं, उनकी प्रजनन क्षमता स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। यह फर्टाइल एग्स की संख्या में कमी का कारण होता है। दरअसल जन्म से ही महिलाओं में सीमित मात्रा में अंडे हैं। जैसे जैसे वो मोनोपॉज के करीब आती हैं, अंडों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, जिससे उसके लिए गर्भधारण करना काफ़ी कठिन होता है। 40 वर्ष की आयु के बाद प्रजनन क्षमता कम होने की एक वजह ओवेरियन रिवर्स का सिकुड़ना भी है। यह ओवेरियन रिवर्स का मतलब एक महिला के अंडाशय में मौजूद कम अंडों से है, क्योंकि एक महिला के जन्म के समय उनके मौजूद अंडे सीमित संख्या में होते हैं, जिनकी उम्र के साथ उनकी मात्रा और गुणवत्ता कम हो जाती है। ऐसे में 40 साल की आयु तक महिलाओं में बचे अंडों में क्रोमोसोमल डिफेक्टेड होने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत अधिक तनाव प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में तनाव कम करने के तरीके को खोजने से आपको ऐसा माहौल मिलेगा जिससे गर्भधारण करने में आसानी होगी। आप स्ट्रेस मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, अपनी शौक की चीज़ें और प्रियजनों से मदद मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।